हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवी एजुकेशन। अभी तक आपने प्रेपोजिशंस के बारे में डीपली स्टडी किया होगा, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा। आज हम समझेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है, इसके बारे में बहुत ही सिंपल टिप्स और ट्रिक्स से आज हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। प्रेपोजिशनल फ्रेज को समझने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रेपोजिशन क्या होता है और फ्रेज क्या होता है। अगर इन दोनों वर्ड्स को हम समझ जाएंगे तो हमें इस पूरे वर्ड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। प्रेपोजिशन क्या होता है? प्रेपोजिशन, दीज वर्ड्स शो रिलेशनशिप ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन विद द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जब हम सेंटेंस में प्रेपोजिशंस को यूज करते हैं तो ये सेंटेंस के जो नाउन या प्रोनाउन जो यूज किया गया है उसका सेंटेंस के दूसरे पार्ट से रिलेशन शो करते हैं। जैसे आप यूज करते हैं ऑन, एट, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑफ, ये आपके कॉमनली यूज प्रेपोजिशन हैं। इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन प्रेपोजिशन जो हैं, जो हम कॉमनली सेंटेंसेस में इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते हैं, वो ये हैं, है ना। तो इनको जब हम यूज करते हैं, इन प्रेपोजिशन को, तो ये नाउन और प्रोनाउन का सेंटेंस के अदर पार्ट के साथ रिलेशन शो करते हैं, इन्हें हम कहते हैं प्रेपोजिशन। अब फ्रेज क्या होता है भाई? फ्रेज एक वर्ड्स का ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट गिव कंप्लीट सेंस। ये फ्रेज जो होता है एक छोटा सा वर्ड्स का ग्रुप होता है जो कंप्लीट सेंस नहीं देता है, बहुत शॉर्ट सेंस देता है, एंड डज नॉट हैव अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन। और इन फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है। क्या मतलब हुआ कि ना तो सब्जेक्ट होता है फ्रेज में, ना वर्ब होता है, केवल एक शॉर्ट वर्ड्स का ग्रुप होता है जो एक शॉर्ट सेंस देता है, जो कंप्लीट सेंस नहीं देता है, उसे हम कहते हैं फ्रेज। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम सेंटेंसेस में अक्सर यूज करते हैं फ्रेजेस जैसे ऑन द टेबल, इन द वेल, है ना, ऑन द रूफ। इस तरीके से जब हम फ्रेजेस को यूज करते हैं तो ये बहुत शॉर्ट सेंस देते हैं, ये कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं, ना इनमें सब्जेक्ट होता है ना इनमें वर्ब होता है, ये होते हैं फ्रेजेस। अब आपको प्रेपोजिशन और फ्रेज इन दोनों वर्ड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम समझेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज मतलब होता है कि स्टार्ट्स विद अ प्रेपोजिशन एंड इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी ऐसा वर्ड्स का ग्रुप होता है जो एक प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे आपके इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, इस तरीके जितने भी आपके प्रेपोजिशन है उनसे प्रेपोजिशनल फ्रेज स्टार्ट होगा, लेकिन एंड किससे होगा? एन ऑब्जेक्ट, जो कहलाता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, यानी पहले प्रेपोजिशन यूज होगा उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट, यानी कुछ वर्ड्स और दिए जाएंगे जो उस प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, एंड इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट, और वो प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉलो किया जाता है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखते हैं ये प्रेपोजिशनल फ्रेज फंक्शन क्या करते हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है, क्या एक्शन होता है। दीज प्रेपोजिशनल फ्रेजेस एक्ट एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब, और समटाइम्स एज अ नाउन। ये प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कभी तो एज एन एडजेक्टिव काम करते हैं, कभी एज एन एडवर्ब काम करते हैं, और कभी एज अ नाउन काम करते हैं। यानी कभी ये एज एन एडजेक्टिव काम करते हैं तो ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं, जब एज एन एडवर्ब काम करते हैं तो ये वर्ब को मॉडिफाई करते हैं, और कभी कभी एज अ नाउन भी काम करते हैं, ठीक है। अब आपको प्रेपोजिशन, फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज इन तीनों टॉपिक्स का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रेपोजिशनल फ्रेज के फंक्शन को और ज्यादा डिटेल में एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब और एज अ नाउन कुछ एग्जांपल्स को लेकर क्लियर करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रेपोजिशनल फ्रेज एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब और एज अ नाउन कैसे काम करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। फर्स्ट देखते हैं हम एज एन एडजेक्टिव। अब देखिए इसमें, द स्टूडेंट्स इन द सेवेंथ क्लास आर मेकिंग टू मच नॉइज,
स्टूडेंट्स जो है सेवेंथ क्लास में है आर मेकिंग टू मच नॉइज, इसमें आपका प्रपोजिशनल फ्रेज क्या है? इन द सेवेंथ क्लास, ये आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है। और ये क्या कर रहा है, ये जो आपका नाउन है द स्टूडेंट सब्जेक्ट है और जो नाउन है उसको मॉडिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है, वो नाउन को, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। वही इसमें कर रहा है प्रेपोजिशनल फ्रेज जो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है कि द स्टूडेंट्स इन द सेवेंथ क्लास, यानी कि स्टूडेंट्स जो सेवेंथ क्लास में हैं, तो स्टूडेंट्स शब्द को, इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इन द क्लास। इन आपका प्रेपोजिशन है, द क्लास ये क्या है, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन इन। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, द सेवेंथ क्लास, ये हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, द मैन इन अ ब्लैक कोट इज माई इंग्लिश टीचर। द मैन इन अ ब्लैक कोट, ठीक है, मैन वो, मैन वो व्यक्ति, इन अ ब्लैक कोट जो ब्लैक कोट में है। अब इन अ ब्लैक कोट क्या शो कर रहा है, द मैन जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है उसको क्वालिफाई कर रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो व्यक्ति जो ब्लैक कोट में है, है ना। तो ये हुआ प्रेपोजिशनल फ्रेज। और क्यों हुआ, क्योंकि इन आपका प्रेपोजिशन है और आ ब्लैक कोट इसका क्या है, ऑब्जेक्ट। इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है, आ ब्लैक कोट। ये पूरा हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज, कुछ वर्ड्स का ग्रुप जिसमें पहले आपका प्रेपोजिशन आया है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आया है, और ये आपके नाउन को, सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ये हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट देखिए, दैट वाइट कैट इन द मिडिल इज माय फेवरेट। वो वाइट कैट जो मिडिल में है, इन द मिडिल, ठीक है, इज माई फेवरेट, वो मेरी फेवरेट है। अब कौन सी वाइट कैट जो मिडिल में है, कहीं कोई प्लेस में हम शो कर रहे हैं कि वो वाइट कैट जो मिडिल में खड़ी है या मिडिल में है, तो इन द मिडिल, इन आपका क्या है, प्रेपोजिशन है, द मिडिल इसका ऑब्जेक्ट है, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज द उस वाइट कैट को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये आपका एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है, यानी सब्जेक्ट को, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये हो गया आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज जो एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। इन प्रेपोजिशन द मिडिल क्या है, इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अ पासपोर्ट दैट इज आउट ऑफ डेट। वो पासपोर्ट जो आउट ऑफ डेट हो गया है, जिसकी डेट निकल चुकी है, इज इनवैलिड। ठीक है, वो इनवैलिड है। अब इज आउट ऑफ डेट, ये क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अ पासपोर्ट दैट इज आउट ऑफ डेट, इसमें आउट ऑफ आपका क्या है, प्रेपोजिशन, और डेट इसका हो गया ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज जो आपके पासपोर्ट नाउन को, पासपोर्ट सब्जेक्ट को और नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये काम कर रहा है एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, अब आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज का एज एन एडजेक्टिव फंक्शन समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम देखते हैं एज एन एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, एक्शन को मॉडिफाई करता है, वही प्रेपोजिशनल फ्रेज भी करेगा। कैसे, इट इज टू ओ क्लॉक बाय माय वॉच। इसका मीन्स क्या हुआ कि अभी दो बजा है, इट इज टू ओ क्लॉक माने अभी दो बजा है, कहाँ, बाय माय वॉच, यानी कि मेरी वॉच में, मेरी घड़ी में। तो आपका जो इज वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है बाय माय वॉच, ये आपका है प्रेपोजिशनल फ्रेज। इसमें बाय प्रेपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, माय वॉच, ये हो गया प्रेपोजिशनल फ्रेज जो एज एन एडवर्ब काम कर रहा है, जो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, प्लीज सिट डाउन फॉर अ वाइल, कृपया बैठ जाइए, फॉर अ वाइल थोड़ी देर के लिए। तो फॉर अ वाइल क्या हुआ आपका, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, फॉर आपका प्रेपोजिशन है, अ वाइल इसका ऑब्जेक्ट है, और ये किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है, सिट को, सिट डाउन, सिट वर्ब है आपका, मेन वर्ब है, तो वो कह रहे कृपया बैठ जाइए। ठीक है, तो ये सिट वर्ब जो है इसको मॉडिफाई कर रहा है फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, है ना।
तो ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज सिट वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। नेक्स्ट में देखिए, द चिल्ड्रन स्पेंट ऑल देयर टाइम आउट ऑफ डोर्स, बच्चों ने सारा टाइम स्पेंट किया, कहाँ किया, आउट ऑफ डोर्स, यानी कि घर के बाहर, आउट ऑफ डोर्स, डोर्स माने यहाँ पर क्या सेंस है, घर के बाहर, बच्चों ने सारा टाइम स्पेंट किया, कहाँ स्पेंट किया ये शो कर रहे हैं, तो स्पेंट वर्ब को आउट ऑफ डोर्स क्वालिफाई कर रहा है, ये ही आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है जिसमें आउट ऑफ प्रेपोजिशन है और डोर्स इसका ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, मिस्टर जॉन कॉट द बस ऑन टाइम, मिस्टर जॉन ने बस कैच कर ली, पकड़ ली, ले ली ऑन टाइम, टाइम पर, ठीक है। ऑन टाइम क्या है आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज, जो कॉट वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है कि उन्होंने, मिस्टर जॉन ने बस ली, कैच की, कब की, ऑन टाइम, ऑन प्रेपोजिशन है, टाइम इसका ऑब्जेक्ट है, क्लियर। नेक्स्ट, शी डिस्क्राइब द इंसिडेंट इन डिटेल, उसने इंसिडेंट को, घटना को डिस्क्राइब किया, बताया, कैसे बताया, इन डिटेल, विस्तार में, तो ये क्या है प्रेपोजिशनल फ्रेज, जो आपके डिस्क्राइब्ड वर्ब को मॉडिफाई कर रहा, उसने बताया, कैसे बताया, इन डिटेल, इन प्रेपोजिशन है, डिटेल उसका ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज डिस्क्राइब्ड को क्वालिफाई कर रहा है। ये आपके क्या थे, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस का यूज था जो एज एन एडवर्ब एक्शन कर रहा था, फंक्शन कर रहा था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एज अ नाउन, कभी कभी ये प्रेपोजिशनल फ्रेज ऐसा नाउन भी काम कर जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत रेयर में होता है, कॉमनली सेंटेंसेस में इनका यूज बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी समझना जरूरी है, इसलिए चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे देखिए, आफ्टर द गेम विल बी टू लेट फॉर अस टू गो टू डिनर, आफ्टर द गेम, ये आपका आफ्टर द गेम क्या है, ये आपका है प्रेपोजिशनल फ्रेज जो एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है और एज अ नाउन वर्क कर रहा है कि गेम के बाद क्या होगा, विल बी टू लेट, बहुत लेट हो जाएगा, ठीक है, फॉर अस हमारे लिए, टू गो टू द डिनर, तो आफ्टर प्रेपोजिशन है, द गेम इसका ऑब्जेक्ट है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है ये पूरा फ्रेज और एज अ नाउन वर्क कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बिहाइंड द स्कूल इज अ पार्क, बिहाइंड द स्कूल ये आपका है प्रेपोजिशनल फ्रेज, बिहाइंड प्रेपोजिशन है, द स्कूल इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये पूरा फ्रेज एज अ नाउन काम कर रहा है क्योंकि एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है कि स्कूल के पीछे क्या है, इज अ पार्क, एक पार्क है, तो ये क्या है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, एज अ नाउन वर्क कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ओवर द रेनबो, रेनबो के ऊपर क्या है, इज अ मैजिकल एंड अमेजिंग प्लेस, बहुत ही जादुई और अमेजिंग प्लेस है, तो ओवर आपका प्रेपोजिशन है, द रेनबो इसका ऑब्जेक्ट है और ये पूरा फ्रेज बन गया प्रेपोजिशनल फ्रेज जो एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज हुआ है, एज अ नाउन काम कर रहा है, देन दिस इज प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब आपको एज एन एडजेक्टिव, एज एन एडवर्ब और एज अ नाउन इन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के फंक्शन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आपके। कॉमनली तो एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब भी यूज होते हैं, लेकिन कभी कभी रेयरली एज अ नाउन भी सेंटेंसेस आ जाते हैं, इसलिए आपको इसका भी कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आई होप आपको प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के कॉन्सेप्ट और उनके फंक्शन बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को शेयर ज़रूर करें। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।